उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए शुक्रवार को 78 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिसमें 9 सीटों पर उम्मीदवारों की कुल संख्या 149 हो गई है। शुक्रवार को नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन था। चुनाव आयोग यानी कि ईसी के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को होगी और उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तिथि 30 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। यूपी में जिन सीटों पर उपचुनाव होंगे उनमें कटिहारी जो कि अंबेडकर नगर में है, करहल मेनपुरी में है, मीरापुर मुजफ्फरनगर में है, इसके बाद गाजियाबाद है, इसके बाद मंझावा है जो कि मिर्जापुर में आती है, सीसामाऊ है जो कि कानपुर शहर में आती है, खैर अलीगढ़ में आती है, फूलपुर प्रयागराज में और कुंदर की मुरादाबाद में शामिल है। आपको बता दें इन सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतदान की गिनती की जाएगी। चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को एक अदालती मामले के कारण मिल्कीपुर को छोड़कर यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की। इनमें से 8 सीटें मौजूदा विधायकों के लोकसभा चुनाव में सांसद चुनने के बाद खाली हो गई थी। सीसामाऊ सीट पर एक आपराधिक मामले में दोषी पाए गए सपा विधायक इरफान सोलंकी की अयोग्यता के कारण चुनाव जरूरी हो गया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में सीसामाऊ कटिहारी करहल मिल्कीपुर कुंदर की सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, जबकि भाजपा ने फूलपुर गाजियाबाद मंझावा और खैर सीटें जीती थी। मीरापुर सीट आरएलडी के कब्जे में थी। वहीं उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा ने गुरुवार को 9 विधानसभा सीटों में से 8 के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, जबकि एक सीट अपने सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी के लिए छोड़ दी है। वहीं कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह उपचुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी और सपा या इंडिया ब्लॉक की अन्य पार्टियों के पक्ष में बिना शर्त काम करेगी। कांग्रेस का यह बयान सपा प्रमुख अखिलेश यादव के उस बयान के दिन सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवार उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह यानी कि साइकिल पर ही चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें उपचुनाव को लेकर लगातार पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। एक के बाद एक निशाना भी साधा जा रहा है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि वो 9 की 9 विधानसभा के उपचुनावों में सीटें जीत रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस बार कांग्रेस को सबक सिखाकर रहेगी और यूपी में कमल ही खेलेगा।